छत्तीसगढ़ में जो है ADO सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 415 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती जो है 2023 में आप सभी स्टूडेंट के लिए विज्ञापन नया प्रेस विज्ञापित जारी हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट ADO बनना चाहते हैं सहायक विकास विस्तार अधिकारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ADO का पोस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका पोस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें योग्यता की, तो ये ADO यदि आप बनना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका जो है स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे BA किए हो, BSc किए हो, BCom किए हो, फार्मेसी किए हो, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, BTech, एग्रीकल्चर किए हो या फिर आपने नर्सिंग किया हो, कोई भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आपने कंप्यूटर साइंस या फिर BCA किए हो, बस आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए तभी आप जो है ADO बन पाएंगे। और ADO का पोस्ट जो है बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है और व्यापार में बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो ADO के 415 पोस्ट के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम उम्र आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 वर्ष है। कैटेगरी वाइज भी इसमें आपको ADO भर्ती परीक्षा में छूट देखने को मिलेगा। यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 5 वर्ष का छूट मिलेगा, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 3 वर्ष का। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 साल के हैं आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं आप जो है 38 साल के हैं आप इसमें आराम से जो आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर चयन प्रक्रिया के, तो इसमें आपका जो है डायरेक्ट भर्ती होगा, सीधी भर्ती इसमें देखने को मिलेगा। ADO भर्ती परीक्षा में भी आपका जो है किसी भी तरह के आपका इंटरव्यू साक्षात्कार जो है देखने को नहीं मिलेगा। 150 प्रश्न ADO में पूछे जाते हैं जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में, सैलरी के बारे में। तो सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरी की बात करें अगर हम, तो ADO में आपको जो है 35,000 रुपये के करीबन आपको जो है प्रत्येक माह जो है आपको सैलरी जो है वेतन दिया जाएगा। और 35,000 रुपये सैलरी जो है बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है, बिगेस्ट अमाउंट होता है जिससे आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर हो सकता है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ADO भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किस तरीके से करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि लास्ट डेट जो है किस तरीके से होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें ADO भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के, तो एग्ज़ाम्स में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ADO भर्ती परीक्षा में भी एग्ज़ाम्स में माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा, निगेटिव मार्किंग। सिलेबस की बात करें तो आपके एग्ज़ाम्स में सामान्य ज्ञान से 30 अंकों के प्रश्न आएंगे, साथ में आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी से भी 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामान्य हिंदी से 30 अंकों के 30 प्रश्न, पंचायती राज की जानकारी से भी 30 अंकों के 30 प्रश्न, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से भी 30 अंकों के 30 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का संविधान तथा राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय जिसमें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, ये सभी आपके छत्तीसगढ़ में पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ADO का भर्ती जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना कि छत्तीसगढ़ में ADO के 415 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती है, सबसे बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए निकल कर आया है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से तैयारी करना ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा हमें सामान्य ज्ञान के बारे में नॉलेज होगा, सामान्य जानकारी होगा, उतने ही हमें एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर जो है हम ला सकते हैं। सामान्य ज्ञान की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए आप जो है टुटेजर ट्यूटोरियल्स का बुक ले सकते हैं। साथ में आप जो है ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो CGPSC के लेवल के आता है, आप ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश वो भी ले सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट जो है नॉलेज अच्छे से मिल पाए और एक एक डिटेल्स आपको जो है बारीकी से नॉलेज देखने को मिल पाएगा। साथ में आपके आजीविका से बात करें, मतलब आपके डेली रूटीन, तो आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध जिसमें सहकारिता और बैंक व्यवस्था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है।
जिसमें बाजार में आपका परिभाषा क्या है बाजार का, और इसके प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार और उसके जो है तरीके, पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध हो गया, ये सभी आजीविका आपको पता होना चाहिए। तो जो छोटी छोटी टॉपिक रहता है, छोटी छोटी चीज़ें रहता है, उनसे ही सभी चीज़ों को नॉलेज जानने के बाद भी अब बाद ही हम एग्ज़ाम्स में अच्छे से डिटेल्स नॉलेज ले सकते हैं और हमारे एग्ज़ाम से क्वालिफाई हो सकता है। तो पंचायती राज की जानकारी की बात करें तो इसमें आपका 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएँ, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की जो है प्रमुख योजनाओं की जानकारी, ये चीज़ें जो है एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही ग्रामीण विकास की योजनाओं की जानकारी, जिसमें आपका ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, जिसमें इसका उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जो है जानकारी, ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयनों में जो है बैंकों की भूमिका, सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005, जल ग्रहण प्रबंधन जिसमें इसका उद्देश्य एवं योजनाएं, ये चीज़ें पूछे जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स के लिए। साथ में सामान्य हिंदी से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी में आपका वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सभी आपके एग्जाम्स में संधि से जानकारी भी पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आई एस अकेडमी का बुक ले सकते हैं। यदि हम दिल्ली आई एस अकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, आपको हिंदी के बारे में जो है कम्प्लीट नॉलेज मिल पाएगा और आप लोग जो है हिंदी में बहुत ही अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं। तो एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में भर्तियाँ अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है होने वाला है, बस तैयारी अच्छे से रखें। तो छत्तीसगढ़ में डीओ के 415 पदों पर भर्ती होने वाला है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और इसी तरह से नई नई वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। तो 415 पदों पर छत्तीसगढ़ में एडीओ की भर्ती जो है होने वाला है। तो जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं बस उसी तरीके से मेहनत कीजिए, किसी की कॉपी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी काबिलियत को, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना है, बस इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।